हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज बाबू है। मेरे चैनल राजपूत के प्रेस ऐप में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जो भी हमारे से रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का एनजीएल पैन सेंटर लिए हुए हैं, उन लोगों को अपना वीडियो को ध्यान से देखना है कि आपको पैन कार्ड का प्रोसेस किस प्रकार करना है और आपको अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। देख सकते हैं मैंने अपना आईडी लॉगिन कर रखा है, रिटेलर आईडी है। इसके बाद में आपको एनजीएल ई केवाईसी इंस्टेंट पैन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एक छोटा सा फॉर्म खुलता है जिसमें आपको कस्टमर का नेम जो भी आधार पर रहेगा वो आपको फिल करना है एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके बाद में जो भी जेंडर है जेंडर चूज करेंगे एंड मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी का ऑप्शन, ये ध्यान रखना है कि आपको ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डालना है जिस पे आपका ई पैन है ना वो इसी ईमेल पर रिसीव होता है। इसके बाद में सारा डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में देख सकते हैं आप एनएचएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एनएचएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा ई पैन न्यू एंड पेपरलेस ई पैन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। इसके बाद में कस्टमर का मोबाइल आधार नंबर एंड टाइटल चूज करना है जो भी है, श्री या श्री एस एम टी या जो भी है कुमारी। इसके बाद में आपको लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम दे के आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर का आधार पैन कार्ड पहले से बन रखा होगा तो तुरंत ही बता देगा कि आपका पैन कार्ड पहले से बना है। देख सकते हैं ये कस्टमर का पहले ही से पैन जनरेट था, इस वजह से ये एप्लीकेशन इस प्रकार का एरर आएगा, इसके बाद वापस कर देगा आपको नेक्स्ट। इसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको फादर डिटेल देनी होगी, इसमें लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम और आपको कंफर्म करना है एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जो भी इनकम है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वाइदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आपको फिजिकल पैन चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप ई पैन चाहते हैं तो हम नो करेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एरिया पिन कोड एरिया कोड मांगता है तो आपको अपना सिटीजन इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टेट चूज करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और आपका एरिया कोड ऑटो फिल हो जाएगा एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में देख सकते हैं आपको लास्ट में आपको प्लेस चूज कर लिखना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको जो भी फॉर्म है प्रीव्यू फॉर्म खुल जाएगा, आपको डिटेल चेक कर लेना है कि आपने कहीं गलत तो नहीं फिल करा है। जो भी आपकी गलती रहती है तो आप एडिट या कंफर्म करके कर सकते हैं। एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म एडिट पे हो जाएगा एंड अगर आपका ओके है तो आप सबमिट करेंगे एंड बायोमेट्रिक सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अभी मारफो को यूज़ कर रहा हूँ तो आपको मारफो का डिवाइस में मारफो लोकल होस्ट वाला ऑप्शन चूज करना है एंड देख सकते हैं यहाँ पे मारफो रेडी हो चुका है तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका मारफो चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से बायोमेट्रिक पर जाते हैं क्योंकि दो बार हमें ऑथेंटिकेशन कस्टमर का लेना पड़ता है। तो हमारे सामने मतलब फिर से एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद डिवाइस हमारी आ रही है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं आती है तो रीस्कैन कर लेंगे और फिर कैप्चर पर क्लिक कर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए फिंगरप्रिंट हमारी जल चुकी है और कस्टमर का कैप्चर भी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद हमें वहाँ ई साइन हमारा ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद जिस पोर्टल से हम गए थे उसी पोर्टल पर हमें वापस ले जाएगा। तो देखिए हम उसी पोर्टल पर वापस आ चुके हैं और बहुत ही आसानी से आप पैन कार्ड बना सकते हैं और यहाँ से चाहो तो स्लिप यहाँ से आप डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हो, वरना 30 से 40 मिनट में पैन कार्ड बन के आपकी मेल पर आ जाएगा, आप वहां से प्रिंट करके दे सकते हो। और अभी कंफर्मेशन के लिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, एक बार आप अपनी ईमेल भी चेक कर सकते हो क्योंकि ईमेल पर फॉर्म और स्लिप जो है हमारी ईमेल पर भी पहुंच जाती है। तो आप बड़ी ही आसानी से पैन कार्ड बना सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे पोर्टल से जुड़िए, बहुत सर्विस है इसमें, अच्छी अच्छी सर्विस आने वाली है, 100% पेपरलेस हमारा पोर्टल आपको मिलने वाला है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर अपना स्नेह और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।